तू अज दी अखबार देखी जदों सारे शहर दी पुलिस नूं लभदी पई आ। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यार, जैसे कि अभी अभी आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू में ये वायरल वीडियो देखी है इंस्टाग्राम की, गाइस ये इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे इस रील को अपने फोटो को एडिट करके बिल्कुल इजी मेथड से और बिल्कुल सिंपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे और इस वीडियो को देखकर आपकी ये रील क्रिएट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए चलते हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। सो गाइज, अब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको आपको रोटेट कर लेना है ताकि आप एडिटिंग ठीक से समझ सकें। तो अब यहाँ पर आपको अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फोटो फ्यूनिया, ठीक है। ये एप्लीकेशन से आपका जो फोटो है वो न्यूज़पेपर के अंदर एड इजी तरीके से हो जाता है। ओके, तो अब मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाता है। बट गाइज, वो यहाँ पर थीम्स टेम्पलेट नहीं आते हैं न्यूज़पेपर वाले, आपको उन्हें यूज करने के लिए इधर पॉपुलर पर क्लिक करना है कॉर्नर में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारे पॉपुलर थीम्स टेम्पलेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो टेम्पलेट्स है बिजनेस न्यूज़पेपर वाला है, सबसे फर्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कोई और सा न्यूज़पेपर में फोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चूज फोटो पर क्लिक करना है, चूज एग्जिट फोटो पर क्लिक करना है। देन गाइस आपको यहाँ पर अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाती है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक फोटो ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दूसरा फोटो ऐड कर लिया है। आपको जो अच्छा फोटो आपको अपना लगता है आपको यहाँ पर वो फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना एक ये फोटो ऐड कर लेता हूँ, आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर अपना ये फोटो ऐड कर लिया है। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसे ठीक से फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको फिट कर लेता हूँ, देन ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको फोटो फ्यूनिया की जगह अपने इंस्टा की आईडी लिखनी है या फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैं अपने इंस्टा की आईडी यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पर अपने इंस्टा की आईडी लिख ली है। और यहाँ पर आपको एक आर्टिकल का ऑप्शन आता है, इसमें आपको कुछ भी अपने बारे में जो पॉइंट आप अपना बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इजी तरीके से लिख लेता हूँ, नो फार्मर नो फूड। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने इतना लिख लिया है तो अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ओनली ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर फोटो एडिट हो जाएगा खुद ऑटोमेटिक। आपका यहाँ पर फोटो एडिट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे इंस्टा की आईडी आ चुकी है और यहाँ पर जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो आ चुका है। जो आप अपना लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा फोटो आ चुका है। अब गाइस आपको इसकी क्लियरिटी बढ़ाने के लिए ऊपर रेगुलर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो लार्ज पर आपको क्लिक कर देना है और थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आपकी यहाँ पर फिल्टर क्लियर हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एरो दिख रहा होगा, आपको एरो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाती है। तो अब आपको एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को और डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। VN ऐप आप प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, सॉरी डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर ये ओपन भी हो चुका है। अब आपको प्लस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर मैं एक 11 सेकंड की वीडियोस को ऐड कर रहा हूँ, आपको भी इस वीडियो को ऐड कर लेना है। और आपको ये वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। ओके, तो अब आपको दो फिंगर की मदद से इसको थोड़ा जूम कर लेना है। और गाइज जूम करने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद जैसे ही गाइज यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर आता है, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये न्यूज़पेपर में इस लड़के का फोटो आता है, इसे जस्ट पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना है। ओके गाइस, यहाँ पर मैं इसको इतना रोक लेता हूँ। रोकने के बाद अब यहाँ पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको स्प्लिट पर क्लिक करना है। और आपको नेक्स्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर आपको इस फिर से यहाँ पर जो गाइस ये इस लड़के का फोटो हटता है और यहाँ पर ये गाइस यहाँ पर गर्ल्स के फोटो आते हैं, तो इससे जस्ट पहले ये देखिए गाइस, इससे जस्ट पहले आपको यहाँ पर रोकना है। रोकने के बाद फिर से आपको स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको फिर से थोड़ा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद जैसे यहाँ पर इस लड़के का फोटो आता है, इससे बस जस्ट थोड़ी सी पहले ये देखिए गाइस, बस जस्ट थोड़ी सी पहले आपको यहाँ पर रोकना है। रोकने के बाद फिर से आपको स्प्लिट कर देना है। अब तो मान लीजिए आपकी रील यहाँ पर बन चुकी है। ओके, अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, अब सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पर इस एप्लीकेशन का एक लोगो आता है, इस लोगो को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। और गाइस आपको सबसे पहले जो आपने वीडियो एडिट करी थी ना, ऐड करी थी, इनकी वॉल्यूम को आपको जीरो कर देना है।
इन वीडियो की वॉल्यूम को आपको जीरो कर देना है। ओके, अब मैंने यहाँ पर जीरो कर लिया है। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, इस फोटो पर क्लिक करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है और आपको फोटो पर क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर एक अपना न्यूज़पेपर का फोटो ऐड कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर अपने एक न्यूज़पेपर का फोटो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, अब आपको दो फिंगर की मदद से इसको न्यूज़पेपर के फोटो को थोड़ा जूम वगैरह कर लेना है जैसे आप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लिया है। अब गाइस आपको यहाँ पर जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको इस प्लस पर क्लिक करना है। सो गाइस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें एक एफएक्स लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर एफएक्स लगा लेता हूँ यहाँ पर डिसोल्व वाला। ओके, अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आपको यहाँ पर जो आपने फोटो ऐड किया ना इसमें आपको एफएक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्पिन आउट वाला एफएक्स लगा लेना है और इसकी लेयर जो है गाइस आपको फुल कर देनी है, जो ग्रीन वाली लेयर है इस ग्रीन वाली लेयर को आपको फुल कर देना है और आपको राइट पर क्लिक कर देना है। देन गाइस अब यहाँ पर आपको करना है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको इस वीडियो में कुछ नहीं करना है बट आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, रिप्लेस करना है। देन गाइस आपको फोटो पर क्लिक करने के बाद अपने फोटो को ऐड कर लेना है जो आपने न्यूज़पेपर में चेंज किया है। तो मैं इसको दो फिंगर की मदद से इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर रोक लेता हूँ। रोकने के बाद आपको भी सेम ऐसा ही करना है। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले तो गाइस आपको इस फोटो में एक एफएक्स लगाना है, उसके लिए आपको एफएक्स पर क्लिक करना है और एफएक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एफएक्स लगा लेना है। यहाँ पर आपको जिटर डाउन वाला आपको एफएक्स लगा लेना है और इसकी जो ग्रीन वाली लेयर है इसको आपको स्टार्टिंग से रखना है। ओके, अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और जो गाइस आपने यहाँ पर एफएक्स लगाया ग्रीन यहाँ पर दिख रहा है, इसको जस्ट थोड़ी सी देर बाद आपको यहाँ पर रोकना है और रोकने के बाद गाइस जैसे ही आपको स्प्लिट का ऑप्शन यहाँ पर आता है इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर से आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, एफएक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको एक शेक वाला एफएक्स यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, शेक वाला। ओके, और गाइस इसकी लेयर भी आपको स्टार्टिंग से रखनी है, फुल नहीं करनी है, ओनली स्टार्टिंग से रखनी है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब आपको उसके लिए यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है, म्यूजिक ऐड करने के लिए, और गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करना है और देन गाइस जो वीडियो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर रखी है, सॉरी डाउनलोड करी है, आपको यहाँ पर उस वीडियो को ऐड कर लेना है और यहाँ पर इसकी वॉल्यूम आ चुकी है। ओके, अब आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है, मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि ये जो आपने फोटो ऐड किया लास्ट वाला इसमें आपको यहाँ पर एक जूम वाला एफएक्स और लगाना है, आपको जूम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जूम इन वाला एफएक्स लगा देना है। ओके, अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है और हमारी वीडियो यहाँ पर बन चुकी है। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो ये बोल रही है इसकी लिपसिंग ठीक से नहीं आ पा रही है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने यहाँ पर ये फोटो ऐड किया है ना इस फोटो की लेयर को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, तो अभी भी यहाँ पर ठीक नहीं हो पाई है, तो आपको थोड़ी सी लेयर और बढ़ा देनी है इस फोटो की। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा यहाँ पर बिल्कुल लिपसिंग ठीक से हो रही है, तो अब यहाँ पर आपकी वीडियो बन चुकी है। अब जो आपने फोटो ऐड किया ना इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एफएक्स पर क्लिक करना है और ग्रीन वाली लेयर को स्टार्टिंग से फुल कर देना है, वो आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तू आज भी अखबार देखी? सो गाइज मैंने आपको ऑडियो भी सुना दिया और हमारी वीडियो काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से बन चुकी है। और गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ओरिजिनल साउंड पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम की, तो मैंने अभी अभी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट की है जो कि यही पोस्ट मैंने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की है। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो भी कर लो और उस साउंड को यूज करके अपनी रील्स को रियल ऑडियो पर भी अपलोड कर सकते हो। ओके, सो गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मुझे पता है आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि गाइस हम इतनी परेशानी से और यहाँ पर आप इतनी गाइस मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं बट आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, आपको लाइक कर देना है और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ओके, अब आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और विदाउट किसी प्रॉब्लम के आपकी गैलरी के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट ट्रेंड के साथ।